हेलो दोस्तों, तो मेरे पिछले लाइव सेशन के अंदर मैंने आपको एक इंडियन ब्रांड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था और आपको ये भी बताया था कि जो इस ब्रांड के प्रमोटर्स हैं उनकी परफ्यूम मेकिंग के अंदर जो हिस्ट्री है वो करीबन 100 साल पुरानी है। और आज हम उनके जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो ब्रांड पिछले 6 सालों से एस्टेब्लिश है और वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न परफ्यूमरी का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो आइए बात करते हैं फ्रेग्रेंस एंड फैशन के बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम फ्रेग्रेंस एंड फैशन ब्रांड की कुछ चुनिंदा खुशबुओं के बारे में बात करेंगे जो कि इत्र की फॉर्म में है। लेकिन इससे पहले मैं इनकी खुशबुओं के बारे में बात करूं, मैं आपको इनकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। वैसे तो जो फैशन एंड फ्रेग्रेंस ब्रांड है ये करीबन 6 साल पुराना ब्रांड है, लेकिन इनकी जो फैमिली हिस्ट्री है इन द परफ्यूम मेकिंग वो करीबन 100 साल पुरानी है। इनके परदादा से लेकर आज तक जितनी भी नौजवान पीढ़ी है आप ये समझ सकते हैं कि परफ्यूमरी में उनको एक महारत हासिल है। और इनके जो ब्रांड है या जो इनकी खुशबुएँ हैं फ्रेग्रेंस एंड फैशन ब्रांड के अंडर जो इन्होंने लॉन्च करी हैं वो एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इंडियन और मॉडर्न परफ्यूमरी का, क्योंकि उसके अंदर आपको वो इंडियन टच भी मिलेगा और कहीं ना कहीं वो फ्रेंच परफ्यूमरी की भी झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इनकी फ्रेग्रेंसेस हैं जो डिज़ाइनर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस भी हैं। और आज हम इनके द्वारा ही भेजी गई कुछ खुशबुओं के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रांड के अंदर बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं जो हमारी जनता को पता चलनी चाहिए। बिकॉज जैसा कि मैं कहता हूँ कि इंडियन जो ब्रांड हैं या इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी तरीके से हमारे जो फ्रेंच ब्रांड्स हैं या जो डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं उनसे किसी भी एस्पेक्ट में कम नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं अपने रिव्यू से। और अपनी इस रिव्यू की जर्नी के दौरान मैं आपको इस ब्रांड की जो खुशबुएं हैं उसकी हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा, चाहे वो उनकी पैकिंग हो, उनकी प्राइस हो, उनकी लॉन्जिविटी हो, या फॉर दैट मैटर उनकी क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस क्यों ना हो। और जो ये रिव्यू है ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होगा, क्योंकि जो ये ब्रांड है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काबिल तारीफ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी है। शुरुआत करते हैं इनकी बॉक्स पैकेजिंग से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो 2 ब्लैक कलर्ड के बॉक्सेज हैं ये कॉम्बो बॉक्सेज हैं, मीन्स आपको एक बॉक्स के अंदर 2 खुशबुएं मिलेंगी। और जो ये कॉम्बो वाला कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि जो इनके कॉम्बोज हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज्ड हैं। फॉर एग्जांपल, दे हैव बीन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेग्रेंस। अब किसी इंसान को एक्वेटिक खुशबुएं पसंद हैं तो आपको एक ही कॉम्बो के अंदर 2 एक्वेटिक खुशबुएं मिल जाएंगी, 2 एक्वेटिक अतर मिल जाएंगे, मीन्स इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। नो, कमिंग बैक टू द बॉक्स पैकेजिंग, जो चीज़ मैंने रियलाइज करी इस कंपनी की पैकिंग को रिव्यू करते हुए वो ये थी कि इस कंपनी ने पैकिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो चीज़ है ये बॉक्स का आउटर शेल है जो कि कार्डबोर्ड बॉक्स से बना हुआ है। जब हम इसको बॉक्स को निकालते हैं तो जो ये कार्डबोर्ड बॉक्स है इसमें आपको फ्रंट पे इनकी ब्रांडिंग दिखती है विद अ ब्यूटीफुल येलो बटरफ्लाई मेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रांड। उसके बाद जब आप इस बॉक्स को देखते हैं तो जो चीज़ इस बॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग है वो है इस बॉक्स की क्वालिटी और उसकी प्रिंटिंग, क्योंकि इसकी बॉक्स की जो प्रिंटिंग है वो एक टेक्स्चर्ड फील वाली प्रिंटिंग है जिसे हम यूवी प्रिंटिंग भी बोलते हैं। और अगर हम इसके ब्रांड या लोगो को भी टच करेंगे तो वो भी आपको एक टेक्स्चर्ड वाली फील देगा, एंड मोर ओवर दिस बॉक्स इज ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। और अगर इस बॉक्स को जब आप खोलेंगे तो इस बॉक्स को खोलते ही आपको 2 बहुत सुंदर रोल ऑन वाइल्स देखने को मिलेंगी जो कि 6 ml क्वांटिटी की हैं। और इनकी वाइल्स की भी एक खास बात यह है कि ये इंडिया के पहले मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने मेटेलिक कलर्ड कैप्स को यूज़ किया है एक थीम देने के लिए अपनी फ्रेग्रेंसेस को। तो जो ये ओवरऑल बॉक्स प्रेजेंटेशन है ये फाइनल प्रोडक्ट को बहुत ही एक बढ़िया प्रीमियम और रिच लुक देता है।
तो हो सकता है अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आए, वो ये कि अगर कंपनी ने इतनी अच्छी पैकिंग दी है तो हो सकता है ये प्रोडक्ट महंगा हो, बिकॉज बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है जहाँ कंपनीज बहुत अच्छी पैकिंग देती हैं, बहुत अट्रैक्टिव और प्रीमियम लुकिंग पैकिंग देती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस प्राइस को कॉम्पनसेट करने के लिए जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ा देती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत श्योरिटी के साथ बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको यहाँ पर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इस कंपनी या इस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे ये केस टोटली उल्टा है, बिकॉज जब आप इसकी प्राइस सुनेंगे मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत बढ़िया सरप्राइज मिलेगा। अब इनके एक्वाटिक कॉम्बो के अंदर दो खुशबुएं आती हैं जिनका नाम है एक्वा फ्रेश और ब्लू वाटर। और अगर मैं एक्वा फ्रेश के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैंने एक्वा फ्रेश फ्रेग्रेंस को यूज़ किया था, ये एक बहुत ही सॉफ्ट माइल्ड और प्लेजेंट टाइप सा इत्र है। इसका एक्सपीरियंस पता है कैसा है कि रिलैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं आप उनको इजीली इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, लाइक सूदिंग, काम, प्लेजेंट। और अगर इसके नोट्स की बात करूं तो जो चीज़ सबसे पहले आपको महसूस होती है वो है इसके सिट्रसी नोट्स, लाइक खट्टे और मीठे का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। और अगर इसके ड्राई डाउन की बात करूं तो इसका जो ड्राई डाउन है वो बहुत ही बढ़िया एक फ्लोरल और पाउडरी टाइप सा एक्सपीरियंस है। और फ्लोरल नोट्स के अंदर भी जो चीज़ें आपको स्मेल करने को मिलती हैं वो है रोज़, जैस्मिन और वायलेट। और ये जो एक्सपीरियंस है इनकी खुशबू का, ये यहीं पे ही ख़त्म नहीं होता है, बिकॉज इसके अंदर आपको वाइट मस्क और वुडी अंडरटोन्स भी मिलेंगी। अब ये चीज़ जब मैंने अपने रिव्यू के अंदर जब मैं इसको कर रहा था या जब मैं इसको स्मेल कर रहा था, तो जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी वो ये थी कि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। और मैं उस कंक्लूजन पर कैसे पहुंचा, वो ऐसे कि मैंने बहुत बार देखा है कि जितने भी इत्र होते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम होती है, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर सिंथेटिक एलिमेंट्स या सिंथेटिक कॉम्पोनेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसके कारण जो सिमिलैरिटी ऑफ स्मेल होती है वो सेम होती है, लाइक शुरू से लेके एंड तक वो इत्र वैसा ही स्मेल करता है। लेकिन जो ये वाला इत्र है इसके अंदर खुशबुएं चेंज होती हैं, जब आप इसको लगाते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया सिट्रसी एक्सपीरियंस होता है जो कि वुड नोट्स के ऊपर ख़त्म होता है। और आपको एक और बहुत एक्साइटिंग चीज़ बताता हूँ इस इत्र से रिलेटेड, कि ये भी एक बहुत महंगे डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड एक फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है एक्वा डी जियो बाय जॉर्जियो अरमानी। अब ये एक्वा डी जियो के कितना सिमिलरली स्मेल करता है तो मैं बोलूँगा 70-75%, और जो डिफरेंस है वो इसके टॉप नोट में लाया करता है, बिकॉज जो एक्वा डी जियो है वो टॉप नोट के अंदर थोड़ा ज़्यादा खट्टा स्मेल करता है, सिट्रसी नोट्स आपको उसके ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलते हैं। लेकिन जो ये इत्र है इसके अंदर आपको सिट्रसीनेस के साथ साथ थोड़ी सी मिठास और फूलों का एहसास भी मिलेगा। इसकी जो प्रोजेक्शन है वो मॉडरेट टाइप सी है, लाइक पहले 25-30 मिनट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है, लॉन्जेविटी इसकी स्किन के ऊपर 3-4 घंटे के आसपास है और कपड़ों के ऊपर 4-5 घंटे के आसपास। अब ये कौन से लोग लगा सकते हैं और कहां कहां लगा सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये एक बहुत ही बढ़िया डेली कैजुअल वेयर मतलब इत्र है, या ये कह सकते हैं बहुत ही एक ऑलराउंडर टाइप सा इत्र है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप का इंसान इसको पसंद करेगा। एक्वेटिक कॉम्बो के अंदर जो दूसरी खुशबू मिलती है उसका नाम है ब्लू वाटर। तो कहीं ना कहीं आप नाम से गेस कर गए होंगे कि ये डेविड ऑफ कूल वाटर जैसा स्मेल करता होगा, हालांकि मैं इसका डिटेल रिव्यू तो अभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका जो गेस है वो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल डेविड ऑफ कूल वाटर जैसा ही स्मेल करता है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं इनके वुडी कॉम्बो की। इनके वुडी कॉम्बो के अंदर भी आपको दो खुशबुएँ ही मिलती हैं जिसके नाम है टबैको ऊद और मैसूर सैंडल। इनके वुडी कॉम्बो के अंदर मैं आपको टबैको ऊद के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ, बिकॉज इनके ऊद को मैं जादुई ऊद बोलता हूँ। उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो इनका ऊद है उसका प्रोजेक्शन या सियाज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फॉर फर्स्ट 45 मिनट्स to 60 मिनट्स। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है, ऐसा तो बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज में होता है, लेकिन इसकी जो खास बात है वो ये है कि जब आप इसको लगाएंगे ये आपको कम स्मेल होगा लेकिन लोगों को ये ज़्यादा स्मेल होगा, मींस इट इज़ हाईली नोटिसेबल। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो चाहते हैं कि उनकी खुशबू को लोग नोटिस करें और कहीं ना कहीं आके उनकी तारीफ भी करें। और जो दूसरा रीज़न है वो ये है दैट इट स्मेल्स बिटर एंड स्वीट एट द सेम टाइम। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, बिकॉज ये चीज़ मैंने परफ्यूम्स में नोट करी है, लेकिन बींग एन इत्र इट इज़ वेरी कमेंडेबल। अब जब आप इसको लगाएंगे तब ये आपको कड़वे ऊद जैसा स्मेल करेगा। अब वो कड़वे ऊद की स्मेल कैसी होती है आपको पता है, लाइक जो अगर वुड है उसको एक फंगस प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है वो ऊद की स्मेल लेने के लिए, तो जो इसकी वो शुरू की स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी टाइप सी है, तो आपको ये वैसी ही स्मेल आएगी। लेकिन जब आप किसी से बात करेंगे या आप किसी के सामने खड़े हैं सामने वाले को, या आप कहीं से गुजर के जाएंगे, तो उसको ये मीठे ऊद का इंट्रोडक्शन देगा, लाइक उसको वो स्वीट स्मेल आएगी।
आएगी। तो आप ये कह सकते हैं एट द सेम टाइम ये चीज़ आपको कड़वी स्मेल हो रही है लेकिन सामने वाले को ये मीठी स्मेल हो रही है, तो क्यों हुआ ना ये जादुई इत्र। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इस जादुई ऊद वाले पॉइंट पे आपको सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर प्रेस करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल के ऊपर हम मीनिंगफुल कंटेंट बनाते हैं और अगर आपने आज ही इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल को चेक किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। और इसके नोट्स में आपको ऊद के साथ साथ टबैको का हिंट भी मिलेगा और स्वीटनेस भी मिलेगी। अब ये किन लोगों के लिए है, तो एक चीज़ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जितने भी डाई हार्ड ऊद लवर्स हैं उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसके डीएनए के अंदर वो बिटर ऊद का स्मेल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और साथ ही साथ ये आपके सामने वाले को भी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट फील करवाएगा। इसका प्रोजेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, करीबन 3 से 4 फीट खड़े दूर लोगों को भी ये नोटिस होता है। अगर इसकी लॉन्जेविटी की बात करूँ तो मेरे ऊपर जो इस इत्र ने काम किया है वो करीबन 4 से 5 घंटे के आसपास मेरी स्किन के ऊपर ये लास्ट हुआ है और 7 से 8 घंटे के आसपास ये मेरे कपड़ों के ऊपर लास्ट हुआ है। एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू बी यूज्ड एज अ सिग्नेचर ऊद। और ये जो फ्रेग्रेंस है या ये जो इत्र है ये भी एक बहुत ही महंगे डिजाइनर फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड एक फ्रेग्रेंस है। अगर आपने इसका नाम गौर से नोटिस किया हो तो इसका नाम है टबैको ऊद। तो आप ये चीज़ इजीली गेस कर सकते हैं कि ये टॉम फोर्ड टबैको ऊद से इंस्पायर्ड एक फ्रेग्रेंस है और ये उस फ्रेग्रेंस का बहुत ही क्लोज एक्सपीरियंस आपको देता है। तो अब आती है सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट की बात कि इसकी प्राइस क्या है। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में शुरुआत में आपको कहा था कि इसकी प्राइस इनकी यूएसपी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पॉइंट्स इन देयर प्रोडक्ट्स। तो इसकी जो प्राइस आपको पे करनी पड़ती है अगर मैं कॉम्बो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जो एक्वाटिक कॉम्बो की प्राइस है वो है 220 रुपीज और वुडी कॉम्बो की जो प्राइस है 275 रुपीज। तो अपना वीडियो रैप करने से पहले अगर मैं फ्रेग्रेंस एंड फैशन ब्रांड को समराइज करके आपको बताऊं तो पैकिंग एंड प्रेजेंटेशन इज़ लाइक 8 out of 10, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोप है अभी भी वहां पे इम्प्रूवमेंट का। परफॉर्मेंस इज अगेन 8 out of 10, क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस इज 9 out of 10 एंड प्राइस अकॉर्डिंग टू मी इज 10 out of 10, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया जो एक्वेटिक कॉम्बो अतर का प्राइस है वो है 220 रुपये। तो अगर एवरेज प्राइस की बात करूँ तो 110 रुपये में आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के फ्रेग्रेंसेज मिल जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी प्राइस इज लाइक 10 out of 10। अब एक स्पेशल सरप्राइज ओनली एंड ओनली फॉर परफ्यूम बीस्ट व्यूअर्स, वो ये है कि जब भी आप इनकी वेबसाइट से शॉपिंग करेंगे, कोई भी कॉम्बो खरीदेंगे, तब आपको इनकी बाकी फ्रेग्रेंसेस के सैंपल्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे ऑन यूजिंग माय प्रोमो कोड विच इज AB। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और याद से आप मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए और इनके फ्री गुडीज का मजा लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो जो कि फ्रेग्रेंस एंड फैशन ब्रांड के कॉम्बो फ्रेग्रेंसेस के ऊपर बेस्ड था आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ, बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट्स या इंडियन परफ्यूम्स भी फॉरेन डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज से कहीं भी पीछे नहीं है एंड दे कम्पीट देम इन ऑल आस्पेक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स। एंड बिफोर परफ्यूम बी साइनिंग ऑफ आई जस्ट वॉन्ट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिल नेक्स्ट टाइम एंजॉय लाइफ, टेक केयर।